और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति पदक लेने के लिए दिल्ली आ रही केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से लूटपाट की घटना का केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने संज्ञान लिया है और वो उनसे मिलने मूलचंद अस्पताल जाएंगी। आपको बता दें, ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल रेखा सक्सेना को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाना है और इसी सिलसिले में वो समता एक्सप्रेस से ग्वालियर से दिल्ली आ रही थी, लेकिन एसी कोच में हुई वारदात में उनसे 50,000 रुपए और पर्स में रखा सामान बदमाशों ने लूट लिया। रेखा सक्सेना ने बताया कि लुटेरे वेंडर बनकर उनके कंपार्टमेंट में आए और जबरन उनके कैबिन में दाखिल हो गए। इसके बाद उन्हें स्प्रे सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। इस बीच उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनसे मुलाकात करने अस्पताल जाएंगी। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रीमा पाराशर जुड़ गई हैं। रीमा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब तक पहुंचेंगी स्मृति ईरानी मुलाकात करने? देखिए, थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचने वाली हैं मूलचंद अस्पताल, क्योंकि जो टीचर हैं जो यहां पर प्रेसिडेंट मेडल लेने के लिए आ रही थी उनकी हालत थोड़ी सीरियस बताई जा रही है। जिस तरह से पूरी वारदात हुई वो काफी ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाली है। पैसे ही नहीं लूटे गए ना उनसे, बल्कि उनको कुछ एक ऐसा ड्रग सुंघाकर उन्हें बेहोश किया गया, तो हालत उनकी सीरियस है और इसी वजह से अब से कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी खुद उनकी हालत देखने के लिए और पूरा जायजा लेने के लिए पहुंच रही हैं। जाहिर है, देखिए, इससे ये सवाल भी उठता है कि जिस तरह से सिक्योरिटी की बात अब तक रेल मंत्री भी करते आए हैं, गाड़ियों में सीसीटीवी लगाने की बात हो ट्रेन्स में या अलग अलग तरीके के अलग प्रावधान रखने की बात हो, वो सब फेल हो रहे हैं और ये तमाम जो वारदातें लगातार हो रही हैं इसको लेके अब जरूर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर रेल मंत्रालय क्या कर रहा है। लेकिन उससे अलग इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जाने वाली है मूलचंद हॉस्पिटल देखने के लिए उन टीचर को। शुक्रिया रीमा आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते हैं।